हे गाइस, तो मैं लेके आ गया हूँ एक और न्यू रोमांटिक एनिमे जिसका नाम है माय वाइफ हैज नो इमोशन। इसमें बेसिकली एक लड़के और एक रोबोट गर्ल की स्टोरी दिखाई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को ताकुमा नाम एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में काम कर रहा होता है और वो 3 सालों से सिंगल है और वो बहुत ज्यादा काम करता है, यहाँ तक कि ओवरवर्क भी, जिस कारण उसे घर का काम करने के लिए समय नहीं मिलता। और इसी का समाधान वो एक रोबोट गर्ल को खरीदता है जिसका नाम था मीना, और उसने इसे सेकंड हैंड खरीदा था जिस कारण इसके अंदर कुछ ही प्रोग्राम्स हैं जिस वजह से ये कुछ ही काम करती है। और ताकुमा को सिर्फ फ्रिज में सामान रख देना है और ये खुद ही खाना बना देगी। ताकुमा कहता है वो एक रोबोट है तो क्या हुआ, अगर वो घर में है तो ऐसे ही लगता है ना कि वो मेरी वाइफ जैसी है। फिर वो अपने मन में कहता है क्या मैं रोबोट से फ्लर्ट कर सकता हूँ, और वो ऐसा ट्राई करता है और वो उससे पूछता है आज खाने में क्या बनाए, तो वो कहती है कि ऑमलेट राइस बनाए जैसा कि तुम्हें पसंद है। ये सुन के ताकुमा अपने मन में कहता है लगता है ये वो सारी बात याद रख लेती है जो कि उस ओनर को पसंद हो। और फिर वो बाद में कह देता है कि उसे मीना बहुत ज्यादा पसंद है और वो उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता है। ये सुन के वो रोबोट इसे घूरने लगती है और सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है, इसलिए वो उससे कहता है कि साइड डिश क्या है, तो मीना उसका जवाब नहीं देती। तो ताकुमा बैठ जाता है कोने में। फिर बाद में मीना उसे प्लेट परोसती है और उसके अंदर ऑमलेट राइस के ऊपर मस्त सा डिजाइन बना होता है हार्ट वाला। ये देख के तो ताकुमा भी हैरान और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार ये इसने कैसे किया, और वो खाना खा लेता है। फिर अगले ही दिन वो मीना का मैनुअल पढ़ने लगता है। फिर वो बाद में सारे बुक्स को पढ़ लेता है लेकिन उसमें कोई भी फीलिंग्स को लेके कुछ नहीं था, तो वो सोचता है कि शायद ये एक सीक्रेट प्रोग्राम हो सकता है। तभी ताकुमा सोचता है कि उसने इसे सेकंड हैंड खरीदा है तो शायद उसी ने इसे प्रोग्राम किया होगा। फिर 11:30 बज जाते हैं और रोबोट उठ जाती है और वो चली जाती है लंच बनाने के लिए। ताकुमा तो अभी भी कल रात में जो डिश बनी थी उस पे लव ताकुमा लिखा हुआ देख अभी भी वो सोच रहा होता है। मीना को अकेले काम करता हुआ देख ताकुमा भी उसे कहते कि मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन मीना कहती है कि आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस बैठे रहिए और वेट करिए। लेकिन वो मानता नहीं और काम करने लगता है और उसे बनाना होता है रोल्ड ऑमलेट। तभी मीना उसे याद दिलाती है कि अंडे में तो मसाला डालना है और पैन पे तेल भी लगाना है। तो ये सब करने के बाद वो ऑमलेट को बनाने लगता है, लेकिन इतना सब करने के बावजूद वो ऑमलेट को जला रहा होता है। तो ये चीज वो देख लेती है और उसका हाथ पकड़ के उसे रुकने को कहती है, और उसकी आंखें देख के तो ताकुमा डर जाता है तो वो मान के कोने में बैठ जाता है। तो मीना उसका लंच तैयार करती है। अब खाते हुए ताकुमा सोच रहा होता है कि उसने एक बार तो एक लड़की को डेट किया था लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ, तो उसने उसे छोड़ दिया और उसके बाद से उसने कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई और प्यार से भरोसा उठ गया। फिर शाम को जब मीना डिशेस को साफ कर रही थी तब ताकुमा भी उसकी मदद करने के लिए जाता है लेकिन मीना उसे मना करती है। फिर ताकुमा हिचकिचाते हुए कहता है कि तुम्हारी प्रेफरेंस क्या है, तो मीना कहती है कि वो बस खा नहीं सकती क्योंकि उसके वो प्रोग्राम में नहीं है। तो ताकुमा क्लियर करता है कि वो उस बारे में बात नहीं कर रहा है, वो रात को जो खाने में उसने बनाया था उस बारे में कर रहा है और वो आगे वाली बात उससे नहीं बता पा रहा होता है। तो वो उसको कहता है कि ऑमलेट राइस काफी अच्छा था, तुम दोबारा जरूर बनाना। और वो इसलिए नहीं पूछ रहा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो उसका प्यार है या उसका फंक्शन। अरे रोबोट में कहां से फीलिंग आई मुझे तो समझ नहीं आ रहा, वो लव सब कैसे पहचान सकती है जबकि रोबोट के अंदर फीलिंग्स नहीं होती। तो यही बात को लेके ताकुमा सो भी नहीं पा रहा था और तभी मीना उसे बुलाती है। तो तभी ताकुमा देखता है कि जो मीना है वो अभी स्लीप मोड में नहीं गई है। तो मीना उससे पूछती है कि तुम्हारा प्रेफरेंस क्या है, तो ताकुमा को लगता है कि वो क्या खाना चाहता है ये बारे में मीना पूछ रही है। तो ताकुमा कहता है तुम जो भी बनाती हो वो मुझे सभी पसंद है, तो तुम कुछ भी बना देना। तभी ताकुमा को याद आता है कि सेम चीज उसने मीना से भी यही पूछी थी, इसलिए वो मीना से कह ही देता है कि वो उसे लाइक करता है। ये सुन के मीना स्लीप मोड में चली जाती है और ताकुमा तो शर्मा रहा होता है और कह रहा होता है कि उसने ये क्या कह दिया। अगले दिन जब ताकुमा उठता है तो वो देखता है कि जो मीना है उसने अपना ही ब्रेन को फ्राई करके उसके सामने लंच के लिए दिया होता है। तो ये देख के वो जल्दी से हड़बड़ाहट में उठ जाता है और हमें पता चलता है कि वो सपना देख रहा था। और फिर वो मीना को देखता है जो कि उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके लाई थी और वो बात अभी भी ताकुमा के अंदर घूम रही थी। तो वो मीना को कहता है कि उसका मतलब लाइक करने से ये नहीं है कि वो उसे खाना चाहता है, उसका मतलब ये है कि उसे वो पसंद है। फिर बाद में वो अपने ब्रेकफास्ट को खत्म करता है। फिर मीना बताती है कि उसकी बॉडी पूरी ऑयल और मेटल से बनी हुई है
अगर तुम मुझे खाना भी चाहते हो तो तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए तुम ऐसा सोचना भी मत। फिर बाद में दागुमा ऑफिस से घर आ जाता है और डिनर के बाद वो बियर लेके बैठ जाता है और वो मीना को देख के कहता है कि रोबर्ट्स के कोई भी लाइक या डिसलाइक नहीं होते हैं, लेकिन उसे मीना को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना होगा। और फिर वो एक बियर के कैन को पीता है और फिर वो सोचता है कि मीना उसे लाइक करती है कि नहीं, और इसी बात में वो लगातार ही बियर पीता ही रहता है और वो इतना ज्यादा पी लेता है कि मीना भी आके उसे रोकती है और कहती है कि आपने बहुत ज्यादा पी लिया है तो आपको और नहीं पीना चाहिए। और उसने जितनी बियर पी थी उतना वो उसे पानी भी पिलाती है, जिस कारण उसकी हालत खराब हो जाती है उतना पानी पीकर, क्योंकि उसने डिनर भी किया और साथ में इतनी ज्यादा बियर भी कि उसके अंदर पानी कैसे स्टोर हो। फिर भी मीना ने उसे जबरदस्ती पिलाया, ये तो टॉर्चर जैसी बात हो गई। लेकिन इतना सब पीने के बाद भी ताकुमा कहता है कि मुझे और बियर पीनी है, तो ये सुन के मीना जो फ्रिज में बियर रखी होती है उसे फेंक देती है। अब बियर को फेंकने के बाद वो ताकुमा के पास आ जाती है, तो ताकुमा उससे पूछता है कि वो उसके बारे में क्या फील करती है, तो जो मीना है वो डायरेक्टली कह देती है कि वो उसका हस्बैंड है, क्योंकि ताकुमा ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो उसकी वाइफ बन जाए और वाइफ एक तौर पे रिलेशनशिप ही हुआ, तो ताकुमा को याद आता है कि उसने उस रात क्या बोला था और ये बात मीना को याद थी, तो उसने उस बारे में सर्च किया, इसलिए मीना को लगता है शायद उसने गलती पढ़ लिया। तो वो दोबारा से इंटरनेट में चेक करने जा रही थी तो ताकुमा उसे रोक के कहता है कि तुमने जो भी पढ़ा है वो सही था, इसका मतलब यही है कि वो ताकुमा की वाइफ बन सकती है। और ये सोच ही के ताकुमा काफी ज्यादा खुश था, तो मीना उसे पूछती है कि वाइफ का आखिरकार काम क्या होता है। ताकुमा बताता है कि उसका काम डेली अपने हस्बैंड को टाइम देना और मिसेस सूप बनाकर पिलाना। मीना कहती है ये तो डेली मैं करती हूँ। ताकुमा कहता है कि ये बात तो है, लेकिन हस्बैंड का भी काम होता है कि वो अपनी वाइफ की मदद करे और उसकी कुकिंग में भी मदद करे, लेकिन वो इस सब के लिए मना कर देती है। और जो ताकुमा था उसे तो बहुत ज्यादा चढ़ चुकी थी, तो मीना उसे सोने के लिए कहती है और ताकुमा जब सो रहा होता है तो वो उसे अपने पास बुलाता है सोने के लिए। मीना कहती है कि अच्छी नींद के लिए थोड़ी जगह चाहिए होती है। ताकुमा कहता है कि नहीं तुम्हें मेरे साथ सोने ही होगा, और ये सुन के मीना को उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसके साइड में आके सो जाती है। अब दोनों के आई कॉन्टेक्ट हो रहे थे, लेकिन जो ताकुमा है उसको तो उसकी आंखों से डर लग रहा होता है, तो वो उसे आंखें बंद करने के लिए कहता है। ये सुन के वो भी आंखें बंद कर लेती है और ये देख के वो कह रहा होता है कि उसके सामने एक लड़की सोई है, भले ही वो रोबोट हो लेकिन लड़की तो है। लड़की को अपने बदन में सोता हुआ देख उसका तो खून खोलना होता है, तो ये सुन के वो कहती है कि आखिर ये खून खोलना क्या है, तो ये बात वो काट देता है। और यहाँ मीना को कुछ तो समझ आता है और वो कहती है कि वो उसकी मदद कर सकती है इसमें। ताकुमा कहता है कि तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। अब अगली सुबह ताकुमा अपने ही किए कर्म पे पछता रहा होता है और वो कह रहा होता है ये उसने क्या कर दिया, भले ही उसने ये नशे में कहा हो लेकिन उसने ऐसा क्यों किया। तभी वो मीना को देखता है और उसके आगे देख के लग रही होती है कि वो नींद में है, लेकिन वो सोचता है कि रोबोट को कैसे नींद आ सकती है। ताकुमा को लगता है कि वो गुस्से में है, लेकिन मीना से पूछती है कि आखिरकार तुम्हारा हैंगओवर उतरा कि नहीं उतरा, लेकिन ताकुमा का तो हैंगओवर उतर चुका था तो वो अपना काम करता है। और ये देख के मीना भी अपना काम करती है। अब खाना बनाते वक्त उसकी आंखें नॉर्मल हो जाती है, लेकिन जैसे ही ताकुमा उसे बुलाता है वो वैसे ही अपनी आंखें गुस्से में कर लेती है, तो ताकुमा को याद आता है कि उसने रात को क्या कहा था, तो वो उसे कहता है उसकी आंखें डरावनी दिखती है, इसका मतलब ये है कि वो उसकी इंसल्ट कर रहा था, उसका मतलब ये था कि उसकी आंखें इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है कि उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। और ये बात सुन के मीना अपनी आंखों को नॉर्मल कर लेती है और ये देख के वो अपना फिर ब्रेकफास्ट करता है। और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये भी ऑनवे एनिमे है तो इसके एपिसोड वीकली आएंगे। तो मिलते हैं और वीडियो में, तब तक रहते हो नारा और बाय।